नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा और आपका दोनों का खास कार्यक्रम आज का उपाय। बहुत सारे दर्शकों ने हमसे एक सवाल पूछा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके परिवार में किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा क्या उपाय करें कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि गाड़ी बड़े सावधानी से चलानी चाहिए तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन एक उपाय भी आप कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है कि आपको राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जब से उन्होंने ये उपाय किया है तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बताया है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला और आप लोगों ने सवाल पूछा, तो हमने ज़रूरी समझा कि ये जो है उपाय आप लोगों को अवश्य बताएं। तो यदि आपके किसी जानने वाले का या आपके परिवार में दोस्तों के बीच में किसी की गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, या गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं भी हो रहा है और आपने नई गाड़ी खरीदी है, तो ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये उपाय, इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको कि आपकी गाड़ी, जब आप गाड़ी मार्केट से लेके आते हैं, या मान लीजिए पुरानी गाड़ी खरीदी है तो कोई बात नहीं, या गाड़ी बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं। जब आपने ये उपाय देख लिया और उसके बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ नई गाड़ी खरीदने में ही नहीं करना है, या आप जो है गाड़ी बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोचें कि आप क्यों करें, तो आप कभी भी इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि 11 रेड कलर के छुहारे बाज़ार से ले आइए। छुहारे मिलते हैं काजू किशमिश छुहारे जो बोलते हैं, तो मेवा में जो छुहारे होते हैं बड़े वाले, बड़े साइज़ के, थोड़ा सा बड़े साइज़ के और रेड कलर के, जो पुराने छुहारे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, मार्केट में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जो थोड़ा सा पीले रंग के छुहारे होते हैं वो नहीं लेना है, पुराने वाले जो रेड कलर के हों, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। किसी को आसानी से भी मिल जाता है, कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि जी हमें मिला नहीं और रेड वाला, तो क्या हम वो जो हल्का सा पीला रंग का, ब्राउन कलर का होता है वो रख लें, तो वो नहीं करना है आपको, रेड कलर का छुहारा लेना है। और कितने लेने हैं, 11 रेड कलर के छुहारे मार्केट से ले आइए। और क्या करना है आपको कि एक रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा कितना बड़ा हो, रुमाल के साइज़ का कपड़ा होना चाहिए, तो रुमाल के साइज़ का एक रेड कलर का कपड़ा लेना है आपको, और 11 जो है रेड कलर के अच्छे, थोड़ा सा बड़े साइज़ के बढ़िया छुहारे सेलेक्ट करके लेने, कटे फटे ना हो, ध्यान दे लीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा संख्या में ले लीजिए, एक पाव ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए वेट के हिसाब से, और उसमें से अच्छे अच्छे छांट लीजिए, बिल्कुल साबुत पीस होने चाहिए, अच्छे बढ़िया पीस छांट लीजिए, 11 पीस छांटिए, और वो जो रेड कलर का कपड़ा हमने आपको बताया, वो रेड कलर के कपड़े में उन छुहारों को रखिए। और मंगलवार के दिन ये छुहारे आप चाहें तो मंडे को ख़रीद लीजिए या संडे को ख़रीद लीजिए, मंगलवार से एक दो दिन, चार दिन पहले जब भी खरीदना है ख़रीद लीजिए। उपाय आपको ये मंगलवार के दिन करना है। तो मंगलवार के दिन आपने वो कपड़ा लिया रेड कलर का, बढ़िया सा रेशमी कपड़ा ले लीजिए रेड कलर का, जिसका कलर जल्दी से जाए नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे वो बाज़ार में पतले पूजा वाले कपड़े होते हैं वो लेकर के बांध देते हैं, बाद में उसका रेड जो कलर है वही उड़ जाता है और वो डल हो जाते हैं, तो ऐसा मत लीजिए। बढ़िया क्वालिटी का रेड कलर का कपड़ा लीजिए, जिसका कलर बरकरार रहे, जो सिल्की टाइप के मिलते हैं बाज़ार में वो ले सकते हैं, वो लीजिए। उसमें वो 11 छुहारे रखिए, और मंगलवार के दिन आप क्या करें कि सबसे पहले हनुमान मंदिर जाइए, स्नान ध्यान करके सुबह, दोपहर, शाम, जब आपको मौका मिले जाइए, और हनुमान मंदिर में वहाँ हनुमान जी के चरणों में उसको रखिए, वो जो 11 छुहारे आपने रेड कलर के कपड़े में रखा है उस पोटली को रखिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए और उनसे निवेदन करिए कि मेरी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट ना हो, मेरी गाड़ी का भगवान ख्याल रखें, मुझ पर कृपा करें, मेरी गाड़ी पर कृपा करें। जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करना चाहते हैं उनसे करिए, और इसके बाद वहाँ से उठा करके लेकर के आइए, और अपनी गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट है, जहाँ आप गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग सीट है, उसके बगल वाली जो सीट है उसके सामने एक डैशबोर्ड होता है, थोड़ी सी जगह होती है जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं, तो उसमें जो है इसको रख दीजिए और बंद कर दीजिए।
और कोशिश करें कि ये रखा रहे वहाँ पर, कोई इसको निकाले नहीं, कोई खोल के देखे नहीं, इस बात का आपको ख्याल रखना। तो ऐसे पीछे की तरफ रख दीजिए, आगे कुछ और सामान रख दीजिए जिससे कि वो दिखाई ना दे सबको, तो नहीं खोलेंगे। तो कोशिश ये करना है कि कोई खोले नहीं और उसको रखे रहने दीजिए, भगवान करेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने आपने वो रख दिया और गाड़ी आपकी ठीक चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अचानक किसी ने उसको खोल दिया, तब क्या करें? तब क्या करिए कि उसको उठाइए, खोल दिया तो अब उसका यूज़ ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, तो अब उसको उठाइए और ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और फिर अगले मंगलवार को फिर उसी तरीके से तैयार करके फिर नया रख दीजिए। तो ये उपाय करके देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है, उनको फ़ायदा हुआ है, अच्छा फीडबैक मिला है, तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। यदि आप कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया उपाय लेकर आएंगे आपके लिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।